जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। ओके, सेजिटेरियस पीपल आपकी बात करें। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस, इट्स अबाउट, आई एम गेटिंग टू स्टोरीज। या तो आपकी लाइफ में आप ऑलरेडी एक कनेक्शन को एंड कर चुके हैं, ठीक है, एंड सम न्यू कनेक्शन, यू नो, कोई न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है। और यस, हो सकता है कि इट्स अबाउट ओवरवेलमिंग इमोशंस, इट्स अबाउट न्यू कनेक्शन। थोड़ा सा होपलेस हैं आप कनेक्शन को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, एंड होपलेस हो जाते हैं एट टाइम्स। एंड इफ़ यू आर मैरिड तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट्स अबाउट, यू नो, लाइक आपकी लाइफ में बहुत टाइम से एक साइकिल चल रहा है और आप, यू नो, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत होपलेस हो जाते हैं एट टाइम्स, लेकिन स्टिल यू आर कैरिंग दैट, यू नो, वो जो प्यार है, वो इमोशंस अभी भी, मतलब वो है आपके अंदर वो फीलिंग, और स्टिल कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे आर, यू नो, दे आर लिटिल केयर फ्री काइंड ऑफ पर्सन, यू कह लीजिए, एंड एट टाइम्स वो भी लाइक दे, यू नो, दे वॉक अवे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैं आपको बोल रही थी कि इफ़ यू आर सिंगल तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ, यू नो, उन्होंने लाइक आपको छोड़ के चले गए थे एंड दे गेट गॉट मैरिड टू समबडी एल्स। अदरवाइज इफ़ यू आर इन अ कनेक्शन तो मुझे लगता है कि यू हैव ओवरवेलमिंग इमोशंस एंड एट टाइम्स, यू नो, आप लोगों के बीच में कुछ लाइक एक पर्सन, यू नो, एफर्ट्स डालता है, दूसरा पर्सन वॉक अवे हो जाता है। इट्स अबाउट आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से केयरलेस हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आउटकम की बात करें तो यस, ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में ना इट्स अबाउट कि समबडी इज़ हैविंग, यू नो, लाइक मान लीजिए आपका आप जो पार्टनर है, दे आर हाइडिंग थिंग्स, या इट्स अबाउट, यू नो, डेविल, इट्स ऑल अबाउट हाइडिंग थिंग्स, या बैड हैबिट्स, या मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। साइलेंस, एक साइलेंस मुझे दिखाई देता है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके जो पार्टनर है ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, एंड इट्स अबाउट कटिंग टाइज, आपको समझ नहीं आता, इट्स मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको ये लगता है इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, यू आर लाइक बाउंड टू ईच अदर, यू आर, यू नो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन यू आर अटैच्ड टू ईच अदर, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, एंड थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि आप कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शन में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की, करियर वाइज ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, इट्स अ पीरियड ऑफ साइलेंस, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि दैट आप, हो सकता है कि ट्रैवल करें रिलेटेड टू योर वर्क, और यस, हो सकता है कि आप कुछ स्टेप लेने से मतलब कतरा रहे हैं अगले हफ्ते, मुझे यही दिखाई दे रहा है लाइक आने वाले जो टाइम में, एंड इट्स अबाउट कि आपकी खुशियाँ लाइक खुशियों का या कंटेंट होने का वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट विक्ट्री, हो सकता है कि इट्स रिलेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं दूरी से कुछ कनेक्शन है इस काम का, यू नो, यू वॉन्ट टू लाइक वर्क इट आउट, आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि अगर आप जाएंगे तभी ये सब सॉर्ट आउट होगा। देन इट्स अबाउट एस ऑफ कप्स, अब इसका क्या मतलब है, न्यू समथिंग, न्यू पॉजिटिव ब्राइट इज़ कमिंग, लेकिन आप अभी मुझे लगता है कि शांत हैं, साइलेंट हैं और थोड़ा सा कतरा रहे हैं टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट डोंट वरी, आगे मुझे सक्सेस दिखाई दे रहा है, कंटेंटमेंट दिखाई दे रही है, हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है कि कॉम्पिटिशन बहुत हो, लेकिन आगे यू विल बी फीलिंग हैप्पी। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। मे बी इट्स अबाउट न्यू वर्क, ठीक है, और आपके पास बहुत काम हो, आप बिजी रह रहे हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
यस क्रॉस रोड्स पे है किसी चीज़ को लेके, ठीक है ना. यस अगेन वी हैव लाइक डर रहे हैं कुछ लीप ऑफ फेथ लेने से, और आपको प्लेफुल होने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो आइसोलेट कर रहे हैं. तो ऑल इन ऑल मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको आगे पढ़ना है तो यू हैव टू मेक चॉइस. मतलब करियर वाइज मैं यही कहूँगी फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, अगर कोई चीज़ है जो आपको पुल बैक कर रही है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूँ क्या करूँ, एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. अगर आप इस जगह खुश नहीं हैं तो आपको इस साइड आना होगा, ठीक है ना. और अगर आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आई विल ओनली से यू कि आपको कुछ टाइम के लिए यू नीड अ ब्रेक, ठीक है. एंड सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए टूवर्ड्स लाइक टू द डिवाइन, ठीक है. सरेंडर कीजिए. और अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, सम न्यू एनर्जीज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, तो उसको सोचने की हो सकता है कि कुछ अच्छा ही हो, भलाई ही हो इसमें आपके लिए. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, ठीक है. हो सकता है कोई न्यू एनर्जी हो, शायद आप अभी उसको सोच नहीं पा रहे हैं उस तरीके से, यू नो. तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, और आई होप आपको पसंद आई हो. और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.